हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 अब हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस तरह से दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ये है वुड बी क्लासिफाइड एज। बस आपको ये स्ट्रक्चर पहचानना है। देखिए इस कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है और एक इस प्रकार से देखिए एक ईथर है, साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो इस कार्बन से एक ईथर जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है। तो जब किसी कार्बन से एक ईथर जुड़ा हुआ हो और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम लोग जो है हेमी एसीटल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर सेकंड में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिएक्टेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। इनामीन का मतलब होता है बच्चों इन प्लस एमीन, इन प्लस एमीन मतलब अल्कीन है ना, और प्लस का एमीन। तो बेसिकली इसके लिए क्या होता है बच्चों कि सबसे पहला नंबर तो देखिए 2 डिग्री एमीन का जो है होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब इनामीन होने के लिए, इनामीन फॉर्मेशन के लिए जो एमीन होता है उसका 2 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। ना तो 1 डिग्री फॉर्म कर पाता है और ना ही 1 डिग्री बेसिकली इमीन फॉर्म करता है। आप जानते होंगे सी डबल बॉन्ड इस प्रकार से हो और अगर NH2 हो, ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के बाद जो है इस तरह से कुछ कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो वो एक अलग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है इनामीन के बारे में बात हो रहा है, इन प्लस एमीन। तो इन प्लस एमीन के लिए सबसे बेसिक और नेसेसरी कंडीशन होता है कि एमीन का 2 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। 3 डिग्री क्यों नहीं होता है ये भी मैं अभी आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, सारे के सारे 2 डिग्री वाले एमीन ही दिख रहे हैं। अब 2 डिग्री वाले एमीन है, लेकिन अब 2 डिग्री वाले एमीन में कौन सा एमीन ज़्यादा अच्छे से मतलब इनामीन का जो है फॉर्मेशन करेगा। इसका तरीका ये होता है बच्चों कि इसमें 2 डिग्री एमीन जो है ना लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड मतलब कि एमीन खुद में लेस हिंडर्ड होना चाहिए और जिस पर अटैक होने वाला है वो भी लेस हिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस अब स्ट्रक्चर पहचानते हैं। जैसे देखिए एक प्रकार से जो है एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड है तो ये ऑटोमेटिक लेस हिंडर्ड है। लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है ना इमीन के बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सॉरी एमीन के बारे में, वो देखिए कुछ इस प्रकार से दे रखा है, सी एच है और फिर उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है सी एच थ्री का होल ट्वाइस और इधर भी कुछ वैसा ही है सी एच और सी एच थ्री का होल ट्वाइस। तो ये हाईली हिंडर्ड है, मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनामीन के फॉर्मेशन के लिए जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, अभी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में NH के दोनों तरफ CH3 और ऑप्शन नंबर सी में भी NH के दोनों तरफ जो है CH3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों में सेम जैसा है और लेस हिंडर्ड भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए CH, C और उसके बाद जो यहाँ पर CH का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए है तो एक प्रकार से एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सी के ऊपर चारों तरफ जो है 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी हिंडर्ड है, ठीक है। तो इसका जो है इन तीनों में से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इनामीन, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहला नंबर जो है इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और ये जो NH है और इसके दोनों तरफ CH3 का होल ट्वाइस है, मैं इसे लिख देता हूँ। सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये जो है O- के रूप में खुल जाता है। तो जैसे ये O- के रूप में खुलेगा, देखिए जैसे ये O- के रूप में खुलेगा तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद ये 4th बॉन्ड बनाने जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, ये O- हो गया और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, N यहाँ पर H और यहाँ प्लस हो जाएगा
और सी एच थ्री का हॉल ट्वाइस होगा, ठीक है। अब ये ओ माइनस खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से इस एच डी हाइड्रोजन को अपने में मिला लेगा। तो अपने में मिलाने के बाद जो है देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा ओ एच, और उसके बाद जो है ये बना एन, और उसके बाद जो है सी एच थ्री का हॉल ट्वाइस। तो देखिए ये एमीन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन अभी जो है ना अल्कीन नहीं बना, अल्कीन भी बनना जरूरी होता है, और अल्कीन बनने के लिए जो है यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एच प्लस देना पड़ेगा ताकि ये इसको यहाँ पर ट्रैप करके एच टू ओ एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, है ना। और साथ ही साथ हम हीटिंग करेंगे, जैसे हम हीटिंग करेंगे यहाँ से, तो हीटिंग करने के बाद जो आप जानते हो कि हीटिंग में जो है अल्कीन बनता है, तो इस तरह से यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा और एन, और इधर से सी एच थ्री, और इधर से भी सी एच थ्री। तो देखिए ये अल्कीन हो गया इन, और ये एमीन हो गया, इसी को इनामीन बोलते हैं, ठीक है। और इमीन सिस्टम तो आप जानते ही होंगे, इमीन सिस्टम में मैंने बताया था कि ये सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इधर से प्राइमरी एमीन एनएच टू लेते हैं डिहाइड्रेशन करवाने के बाद, सी डबल बॉन्ड एन टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग इमीन बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, दोनों का मैकेनिज्म सहित याद रखना चाहिए, इसलिए मैकेनिज्म तो यहाँ पर नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसलिए कि आपके काम आ जाएगा, है ना। अभी नहीं काम आया तो आगे काम आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। पता है द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो है, क्योंकि सही मायने में ये है ना पी एच, और फिर ये है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और फिर उसके बाद जो है सी एच ओ है, इसको बच्चों बोलते हैं सिनामल डिहाइड, ठीक है, सिनामल डिहाइड, ठीक है। और ये जो सिनामल डिहाइड सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है, सिनामल डिहाइड का पहचान क्या है, इधर बेंजीन रहेगा, बेंजीन के साथ यहाँ अल्कीन रहेगा, ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो है यहाँ पर सी एच ओ रहेगा, ठीक है। सी एच ओ के साथ साथ अगर सी ओ एच यहाँ पर होता तो हम लोग इसको बोलते सिनामिक एसिड बोल देते, ठीक है। तो चाहे सिनामल डिहाइड हो या सिनामिक एसिड हो, ठीक है, दोनों को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस किया जाए, तो देखिए जो सी एच ओ है, सी एच ओ को तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है सी एच ओ हो या सी ओ एच हो, दोनों को सी एच टू ओ एच में बदलेगा, लेकिन साथ साथ ये जो अल्कीन सिस्टम है इसका भी रिडक्शन कर देता है, ठीक है। और इसका रिडक्शन करके जो है ये इसको जो है यहाँ पर जो है इसको ये बदलेगा सी एच टू सी एच टू, और इसको जो है ये बदल देगा इसको सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यहीं यहाँ पर अगर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता बच्चों तो केवल ये सी एच ओ का तो रिडक्शन होता, लेकिन इस अल्कीन का रिडक्शन नहीं हो पाता, तो इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत काम का चीज है, ठीक है।